एक खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यह कोई कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है और ना ही इसका यूपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से कोई लेना देना है। हिमाचल प्रदेश में शांतिप्रिय माहौल रखना प्राथमिकता है और लोगों के मुद्दे एड्रेस करना सरकार का दायित्व है। रेडी पटरी वालों के साथ हिमाचल आने वाले लोगों का भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। विक्रमादित्य सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से हिमाचल सरकार ने कल जो फैसला सुनाया है उसके क्या मायने हैं और किस तरीके से इस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही है कि आपने यूपी सरकार के संदर्भ में इस फैसले को सही ठहराया है? देखिए, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है और आपने देखा पीछे कितना घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में शांतिप्रिय माहौल बनाकर रखना और कम्युनल हार्मनी बना के रखना और कंसर्न्स को, जो लोगों के कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना, ये हमारा दायित्व बनता है। तो इसी संदर्भ में ये समय समय पर माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज़ म्यूनिसिपल काउंसिल में बननी चाहिए ताकि जिन लोगों को भी वहाँ पर इजाज़त दी जा रही है उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके। हिमाचल में कोई भी आ सकता है, देश के किसी कोने से भी आ सकता है और हिमाचली भी देश के किसी कोने में जा सकते हैं, मगर जो भी हिमाचल में आ रहा है उनकी आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक मसला निकल कर आया जहाँ पर 5 आधार कार्ड मैं एक ही डेट ऑफ बर्थ था, एक ही नंबर था, उससे लोगों की मैं चिंता का विषय बना है। प्रदेश के लोगों में ये चिंता है कि फेक आधार कार्ड बनाकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको, इस इशू को कौन एड्रेस करेगा? प्रदेश की सरकार एड्रेस करेगी, प्रदेश की चुनी हुई सरकार एड्रेस करेगी। इसलिए हमने ये मात्र कहा है कि जो भी रेड़ी फड़ी या और ऐसी दुकानें लगाई जाती है उसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो ताकि इससे जिस भी लोगों का कोई कंसर्न है, सिक्योरिटी को लेकर है, कोई ड्रग्स के प्रचलन को लेकर है या और किसी प्रचलन को लेकर है, उसको साधा जा सके और प्रदेश में एक शांति प्रिय माहौल बनाया जा सके। विधानसभा अध्यक्ष ने एक टीम गठित करने को कही है, वो फीडबैक कैसे ले रहे हैं, लोगों से क्या पूछ रहे हैं आप? उसकी अभी बैठक होगी, उसमें जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर है उनको उसमें अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें साथ में कई मंत्रियों को और विधायकों को भी उसमें डाला गया है। और मुख्य लक्ष्य यही है कि प्रदेश में जो हमारे लोगों के कंसर्न्स है उसको एड्रेस किया जाए। देखिए, हमारे लिए प्रदेश के लोगों के हित सर्वश्रेष्ठ है, उनको बचाए रखना, उनकी पैरवी करना, ये हमारा दायित्व बनता है। मगर जैसा मैंने कहा कि देश के किसी भी कोने से हिमाचल में लोग आ सकते हैं, उनका स्वागत है, मगर जो कंसर्न्स है विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, विद रिगार्ड टू कोई अगर ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है, विद रिगार्ड टू आपके हाइजीन का इश्यूज है खाने पीने में, उन चीजों को एड्रेस करना तो सरकार का दायित्व है। हाईकमान ने बुलाया है आपको इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए, कोई और मसला है? तो अपने काम से आया हूँ, मेरे कुछ मसले, आज एक मीटिंग है अर्बन डेवलपमेंट की और हमने जो है हमारे सड़क मंत्री है मंत्रालय में उनसे भी मिलना है हिमाचल के संदर्भ में। मैं समय समय पर हिमाचल आता रहता हूँ, दिल्ली आता रहता हूँ और हिमाचल के लिए पूरा सहयोग लाते रहते हैं और हम दिल्ली हाईकमांड से भी इस विषय में बात करेंगे। इसमें कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, जिस तरीके से बीते दिनों हुआ संजौली मस्जिद का जो विवाद हुआ उसके बाद आपका ये सरकार का ये डिसीजन कहीं ना कहीं मनभेद मनमुटाव पैदा कर रहा है लोगों के बीच में, ऐसा ये सुर्खियां हैं, किस तरीके से जो आपने फैसला लिया है उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने तो जो लोगों के कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना है। जो चीज़ें पीछे हिमाचल के अंदर हुई वो अच्छी नहीं हुई, हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो, प्रदेश में शांतिप्रिय माहौल बना रहे, प्रदेश में सभी लोग, सभी धर्म के, सभी इलाके के, सभी जाति के, सभी क्षेत्र के लोगों को समानता के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। मगर ऐसे अगर कोई कंसर्न्स निकल कर आते हैं तो उनको एड्रेस करना, समय के ऊपर एड्रेस करना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह को, साफ तौर पर दिल्ली पहुंचे हैं, कुछ बड़ी मुलाकातें भी करेंगी और हिमाचल के संदर्भ में भी बातचीत होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।